महान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर जय। तो अब ये निश्चित हो गया कि लव कुश के राज्य अभिषेक के पश्चात हम चारों भाई सरयू नदी में जल समाधि ले लेंगे। हनुमान के बिना प्रभु, हनुमान के बिना प्रभु, हनुमान के बिना प्रभु। एक ही क्षण में पराया कर दिया आपने अपने इस भक्त को। मैंने तो आपको पिता, बंधु, सेवक, सखा सब माना था प्रभु, किंतु आपने विस्मृत कर दिया अपने इस हनुमान को। लंका भेजना था तो मुझे स्मृत किया गया, माता को ढूंढना था तो आपने मुझे कहा, लक्ष्मण भैया के लिए संजीवनी लाने के लिए मुझे ही भेजा गया प्रभु। किंतु अब क्यों पराया हो गया आपका हनुमान? ऐसा नहीं है हनुमान, ऐसा नहीं है प्रभु। अश्वमेध की दिग्विजय यात्रा के लिए शत्रुघ्न एवं पुष्कल की रक्षा का कार्य आपने मुझे सौंपा। गंधर्वों से युद्ध के लिए भरत भैया के साथ आपने मुझे भेजा। तीर्थ यात्रा के लिए आपको मेरा ही साथ स्वीकार था प्रभु। अब जब अंतिम यात्रा का निर्णय लिया गया तो प्रभु आपने मेरा साथ छोड़ दिया। जल समाधि लेने का समय आया तो हनुमान नहीं। इसीलिए ना प्रभु कि मैं आपका कोई नहीं हूं, मात्र एक सेवक हूं, बाहर से आया हुआ एक वानर हूं। यही है ना प्रभु? नहीं हनुमान, नहीं, ये सत्य नहीं है जो तुम सोच रहे हो। धीरज रखो। कैसे धीरज रखूं प्रभु? मेरे नेत्रों के समक्ष अंधकार छा रहा है, मेरा मस्तिष्क चकरा रहा है। आपके लिए सब कुछ होने वाला हनुमान एक ही क्षण में कुछ नहीं रह गया आपके लिए, पराया हो गया हनुमान। शांत हनुमान, शांत। मैं तुम्हें पराया कैसे कर सकता हूं हनुमान? क्या हृदय स्पंदन को पराया कर सकता है हनुमान, जितना बिछोह का दुख तुम्हें, उतना ही दुख मुझे भी है। जीवन में कभी कभी ऐसे कठिन पल आते हैं जिन्हें स्वीकार करना ही पड़ता है। जो आता है सो जाता है, इसे ही जीवन चक्र कहते हैं। तुम क्या सोचते हो, जब सीता के जाने का समय आया था तो क्या मैं उन्हें रोक नहीं सकता था? किंतु मैंने वो किया जो नियति ने निश्चित किया था। जाने दिया, अपने हृदय पर पत्थर रखकर अपने नेत्रों के समक्ष अपनी प्रिय सीते को जाने दिया, समाने दिया धरती में। हनुमान, जैसे मैंने बिछो का विष पीकर सीते को जाने दिया, ऐसे ही तुम मुझे भी जाने दो।
प्रभु, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, महान कर्म योगी हैं, आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु। किंतु मैं तो मात्र एक वानर हूं, आपके भक्ति में डूबा हुआ। मुझसे आपका विच्छो नहीं सहा जाएगा प्रभु। प्रभु आप जा रहे हैं तो मैं आपके साथ क्यों नहीं जा सकता? भरत भैया, लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया की भांति मैं भी आपके साथ जल समाधि क्यों नहीं ले सकता प्रभु? मैं भी आपके साथ ही अपने जीवन का अंत करूंगा प्रभु। नहीं हनुमान, तुम्हें अपने अवतार के शेष उद्देश्य अभी पूर्ण करने हैं। राम राज्य का विस्तार करना है तुम्हें। हर युग में राम नाम के प्रचार प्रसार का दायित्व निभाना है तुम्हें। प्रभु आप क्षमा करें, मेरा कुछ दायित्व है तो फिर आपका भी कुछ दायित्व है। लवकुश के प्रति अल्प आयु में ही उनसे माँ का साथ छूट गया और अब वो पिता की छत्र छाया से भी वंचित हो जाएंगे। प्रभु ये कदापि उचित नहीं है, आपके बिना कोई नहीं संभल पाएगा प्रभु, कोई नहीं संभल पाएगा। इसलिए प्रभु मैं आपको जल समाधि नहीं लेने दूंगा। नारायण नारायण, हनुमान तो प्रभु प्रेम की भावना में बहकर अनियंत्रित हो रहे हैं। यदि इन्होंने ठान लिया कि प्रभु श्री राम को कहीं नहीं जाने देंगे तो संसार की कोई भी शक्ति इन्हें रोकने में सक्षम नहीं होगी। इस बात का मुझे भी भय है नारद जी, हनुमान का प्रेम हट किए जा रहा है, कहीं श्री राम। बस हनुमान, बस, तुमने सदैव मेरे निर्णय का मान रखा है। मैंने जो कहा तुमने किया, किंतु आज मेरे जीवन के अंतिम निर्णय में तुम मेरा विरोध कर रहे हो हनुमान, हट किए बैठे हो। किंतु प्रभु, अब और नहीं हनुमान, और नहीं, नियति है ये, इसे सभी को स्वीकार करना होगा। लव कुश का राज्य अभिषेक होगा, तत्पश्चात हम चारों भाई सरयू नदी में जल समाधि ले लेंगे। ये मेरा अंतिम निर्णय है। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, लवकुश के राज्य अभिषेक की व्यवस्था आरंभ करो। राम कपि न परस्पर समझे, मर्यादा और प्रेम ही उलझे। लव कुशित राजा अभिषेका, उत हनुमत मन जागृत चिंता। नहीं मन लागे कहीं हनुमाना, कर गए दूर कपि प्रस्थान। सब हूँ भावुक घड़ी दुखदाई, किंतु कोई भी कह नहीं पाई। आशीष लव कुश सब से पाई, ओझल सब से रही कपिराई।
लव कुश अवध के अबहु नरेशा, किंतु निरुत्साही श्री कपीशा। हनुमान राज्याभिषेक छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? हनुमान जी नहीं दिखाई दे रहे हैं, मैं भी उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ, न जाने कहाँ है। माता, भोले बाबा, शांत हो जाओ पुत्र, क्या हुआ हनुमान? माता, आपसे क्या छुपा है? प्रभु श्री राम जल जल समाधि लेने जा रहे हैं, किंतु मुझे साथ ले जाने से मना कर दिया उन्होंने। उनके बिना मैं भला कैसे रह पाऊंगा प्रभु? अब आप दोनों चलकर प्रभु को रोकिए ना, माता बाबा रोकिए ना। भोले बाबा, आपके इस पुत्र ने कभी आपसे अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, आज मैं आपसे अपना संसार मांग रहा हूँ। माता, मेरे जीवन का स्रोत मांग रहा हूँ मैं आपसे। एक पुत्र की पीड़ा माँ ही समझ सकती है माता। प्रभु श्री राम से ही हनुमान का अस्तित्व है, यदि प्रभु नहीं तो मैं भी नहीं। प्रभु के बिना निष्प्राण देह की भांति भटकता रहेगा यह हनुमान। आप माता प्रभु मेरी सहायता कीजिए। शांत हो जाओ पुत्र हनुमान, तुम्हारी पीड़ा का आभास है मुझे, तुम्हारा दुख हम समझते हैं। माता, तो आप अपने पुत्र को पीड़ा से मुक्ति दिलाइए ना, अन्यथा चलिए देवी श्री राम के पास। प्रभु शीघ्र चलिए, आप दोनों ही कुछ कर सकते हैं, लवकुश का राज्य अभिषेक अब तक संपन्न हो चुका होगा। लवकुश के राज्य अभिषेक का कार्य पूर्ण हुआ, अब समय आ गया है कि मैं अपने राजधर्म के दायित्व को पूर्ण करूं एवं इन दोनों बालक राजाओं को राजभार सौंप दूं। राजा के रूप में मेरा एक अंतिम कार्य शेष है जिसे मुझे पूर्ण करना है, वो कार्य है
एक दंड की घोषणा। अनुज लक्ष्मण ने एक वचन तोड़ने की भूल की थी और उस वचन को तोड़ने का दंड निर्धारित किया गया था, मृत्यु दंड। अतः मैं लक्ष्मण के लिए मृत्यु दंड की घोषणा करता हूं। मृत्यु दंड के फलस्वरूप लक्ष्मण को सरयू नदी में जल समाधि लेनी होगी। आपका आदेश शिरोधार्य है भैया। ये आदेश राजा राम का था, किंतु एक भाई का यह निर्णय है कि लक्ष्मण मेरी परछाई है, मेरे सभी भाई मेरी ही देह के भाग है। यही नहीं, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, इसलिए मैं भरत एवं शत्रुघ्न भी लक्ष्मण के साथ सरयू नदी में जल समाधि लेंगे। मैं जानता हूं यह निर्णय आप सभी के लिए महापीड़ादायक होगा, किंतु इसे अन्यथा ना लें, यही विधि का विधान है, इसे स्वीकार करें। कहां रह गए हनुमान जी? हनुमान जी ने कहा था कि वो हमें इस संकट से उबारेंगे। हनुमान जी, पार्वती को यहाँ लाकर अच्छा किया संकट मोचन हनुमान ने। हाँ, अवश्य अयोध्या पर आए हुए संकट का भी मोचन कर देंगे हनुमान। महादेव, माता महेश्वरी, आप अकस्मात ही यहाँ? हाँ श्री राम, इस समय तो हमें आना ही था यहाँ। अब मेरे भोले बाबा एवं माता प्रभु से रुकने का आग्रह करेंगे और भोले बाबा और माता का आग्रह प्रभु नहीं टाल पाएंगे। मेरे इष्ट देव श्री राम इस संसार से प्रयाण करने वाले, मैं अपने इष्ट के अंतिम दिव्य दर्शन करने कैसे नहीं आता? ये महादेव क्या कह रहे हैं प्रभु से? मैं तो इन्हें प्रभु को रोकने के लिए यहाँ लाया था। मैं भी धन्य हो गया जीवन के इन अंतिम क्षणों में आप दोनों के दर्शन पाकर। जय जय राम राघव रघुवीरा, तुम हो सुजान सुशील सुधीरा, तुम संकट कष्टों के हारक, तुम दुर्जन दुष्टा संहारक। तुम्हारी दृष्टि से दुख छूटे, तुमसे जन्म मरण बंध टूटे, तुम संसार सागर के तारक, तुम ही चेतना के संचारक, तुम रे जप से कटे सब पीड़ा, तुमको नमन है श्री रणवीरा। भक्त हूं इसलिए अपने भगवान की स्तुति गाने से मैं स्वयं को रोक नहीं सका, किंतु प्रभु इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि मैं आपके निर्णय से सहमत हूं।
और भोले बाबा, मैं आपसे भी सहमत नहीं हूँ। आप तो मेरे प्रभु को समझाने आए थे ना? मैं तुम्हें समझाने आया हूँ हनुमान। होनी होकर रहती है, उसे टाला नहीं जा सकता। जीवन और मरण का कालचक्र सदैव चलायमान रहता है, इसे कोई नहीं रोक सकता। हनुमान, श्री राम के इस अवतार का समय अपूर्ण हो चुका है। हाँ हनुमान, अब इन्हें जाना ही होगा। तुम जितना शीघ्र ही इस सत्य को स्वीकार कर लोगे, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा पुत्र। जल समाधि की व्यवस्था की जाए। जल ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री। जल समाधि की व्यवस्था की जाए। जल जल रहित ना होता जीवन, वायु बिन है प्राण क्या। जल रहित ना जीवन, वायु बिन है प्राण क्या। कोई उत्तर देके फिर है राम बिना हनुमान क्या। राम बिना हनुमान क्या। जल रहित ना होता जीवन, वायु बिन है। संसार मेरा कर दोगे वीरान क्या। जल रहित ना होता जीवन, वायु बिन प्राण क्या। कोई उत्तर देके फिर है राम बिना हनुमान क्या। राम बिना के इस वियोग में उत्पन्न उनके इस भोले भक्त हनुमान की इस असहनीय वेदना को कोई भला कैसे शांत कर सकता है। अब तो ना प्रभु श्री राम को मेरी कोई आवश्यकता है और ना ही इस जगत को मेरे द्वारा लिखी राम कथा की, इसलिए अभी इसे सागर के अंक में सुरक्षित कराता हूं। जब संसार को इसकी आवश्यकता होगी तो ये स्वतः अपने मूल रूप में उजागर हो जाएगी। हाँ
जय श्री राम। अतुलनीय राम भक्त हनुमान की भक्ति, अपनी भावुकता के इस आवेग में भी वो अपने इष्ट प्रभु श्री राम की कथा की सुरक्षा ही सुनिश्चित करने का उद्यन कर रहे हैं। धन्य है हनुमान। कदाचित हनुमान का सागर में प्रवेश करने के पीछे यही कारण है कि सागर का शीतल जल उनके भीतर उमड़े भावनाओं के इस बवंडर को शांत कर सके। हे सागर देवता, ये मेरे प्रभु की कथा है, इसे आप अपने अंक में संभाल कर रखिएगा। प्रभु, मेरे प्रभु, क्या हुआ भैया? आपके मुख पर ये चिंता का भाव क्यों उभर आया? लक्ष्मण, हनुमान को ढूंढकर उसे मेरे पास लेकर आओ। नहीं आएगा प्रभु हनुमान आपके पास, और आप मुझे बुलाना भी मत। मैं भी देखता हूं कि आप मेरे बिना, अपने इस हनुमान के बिना कैसे जा सकेंगे। जहां देख रहा हूं वहां प्रभु ही दिखाई दे रहे हैं, कहां जाऊं मैं? अपने प्रभु श्री राम से रुष्ट होकर दूर जाने की चेष्टा तो कर रहे हैं हनुमान, किंतु अपने भोलेपन में वो ये भूल गए कि श्री राम तो उनके हृदय में ही वास करते हैं। आप उचित कहती हैं देवी, जिसका मन ही प्रभु श्री राम में रमा है, राममय है, उसके लिए तो जगत के कण कण में ही राम ही राम है। भक्त के साथ छलना कर रहे हैं प्रभु। प्रभु मुझे ऐसे प्रेम से क्यों देख रहे हैं, जैसे मेरे प्रभु मुझे बुला रहे हो? किंतु मुझे ये ज्ञात है कि आपको अपने इस भक्त का साथ नहीं चाहिए। भैया, हनुमान राजभवन में कहीं नहीं है। भैया, हनुमान जी राजमहल में तो क्या, संपूर्ण अयोध्या में नहीं है। भ्राता, किसी को ज्ञात नहीं है कि इस समय हनुमान जी कहां पर हैं। हनुमान से मिले बिना तो मेरा प्रस्थान संभव नहीं है। जितना मैं उन्हें जानता हूं, हनुमान मेरे आपके साथ जाने से और उनके पीछे रह जाने से वो इतने कुपित होंगे कि वो यहां नहीं आएंगे। भैया, प्रभु मैंने कह तो दिया कि मैं नहीं आऊंगा, मैं कदापि नहीं आऊंगा। मैं तो क्या, मेरे तन का एक छोटा सा कण भी आपको विदा करने नहीं आएगा। लक्ष्मण, मैं हनुमान को जानता हूं, मैं एक बार पुकारूंगा तो वो अपना रोष भूलकर दौड़े चले आएंगे। आप स्वयं भी बुलाएंगे तो भी नहीं आऊंगा मैं। तुम्हें जी भर के गले से लगाना है हनुमान, इसलिए शीघ्र ही चले आओ हनुमान, चले आओ हनुमान। हनुमान, हनुमान, आया प्रभु, आया प्रभु, आया प्रभु। प्रभु ने स्वयं मुझे बुलाया, आया प्रभु। कितने भोले हैं पुत्र हनुमान, अभी तक स्वयं नाना कर रहे थे, कह रहे थे
कि प्रभु के बुलाने पर भी नहीं जाएंगे उनके पास। और अब उनकी एक पुकार से ही कितने तीव्र वेग से चले जा रहे हैं। मैं आ गया प्रभु, आ गया आपका हनुमान प्रभु। मैंने कहा था ना हनुमान अवश्य आएंगे। हाँ प्रभु, आप कहिए क्या आज्ञा है। तुम्हें गले से लगाकर तुमसे अंतिम विदाई लेनी है हनुमान। नहीं प्रभु, ये नहीं हो सकता। प्रभु आप मेरे हट के लिए मुझे क्षमा करें प्रभु, किंतु आपको मुझे भी अपने साथ ले जाना होगा, क्योंकि प्रभु आपके बिना कुछ पल भी युगों के समान प्रतीत हो रहे थे मुझे। तो प्रभु मैं युग कैसे काट सकूंगा आपके बिना। हनुमान, जो कुछ भी हो रहा है वो नियति द्वारा ही निर्धारित है। प्रभु सब कुछ समझकर फिर भी क्यों नहीं कुछ भी समझना चाहता हूं मैं। कोई बात नहीं हनुमान, कभी कभी किसी बात को समझने के लिए समय लगता है। सब कुछ यूं ही पल भर में नहीं हो जाता। तो इस अवधि में क्या तुम मेरा एक अंतिम कार्य करोगे हनुमान? हाँ प्रभु, आप आज्ञा दीजिए। मैं अपने निर्वाण के समय अपने साथ कुछ ले जाना चाहता हूं। मेरे चिन्ह के रूप में मेरी जो स्वर्ण मुद्रिका तुम सीता के पास लंका ले गए थे वो मैंने ब्रह्मदेव जी को दी थी। क्या तुम उनसे वो मुद्रिका ला सकते हो हनुमान? कहीं प्रभु मुझे दूर भेजकर मेरी अनुपस्थिति में निर्वाण तो नहीं ले लेंगे? मुझे ज्ञात है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है हनुमान। मैं वचन देता हूं तुम्हारे लौटने तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा मैं। उचित है प्रभु, मैं अभी गया और अभी आया। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अंतिम काज प्रभु आदेशा, जा पूर्ण तत्पर श्री कपीशा। सबहु जन अचरज मह समाये, काज दिए काहे रघुराई। हनुमत मन ही मन हर्षाए, चाहे प्रभु नित काज बताए। प्रभु सेवा ही कपि उदेशा, ब्रह्म लोक उड़ी अद्भुत वेगा। प्रभु बस मुझे ऐसे ही कार्य देते रहें और मुझे छोड़कर ही नहीं जाएंगे। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हृदय को मुग्ध कर देने वाला कितना अद्भुत सौंदर्य है ब्रह्म लोक का। प्रतीत होता है ये दिव्य हंस यहाँ मेरा स्वागत करने आए हैं। इन्हीं के साथ जाकर मैं ब्रह्मदेव तक पहुँच सकूंगा। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे इस लोक के साथ मेरा एक अनोखा संबंध हो, जैसे इस स्थान से मैं भली भांति परिचित हूँ या होने वाला हूँ। यहाँ की प्रत्येक वस्तु से इतना प्रभावित और आकर्षित क्यों हो रहा हूँ मैं? ब्रह्मलोक में तुम्हारा स्वागत है पुत्र। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। कल्याण हो पुत्र। मुझे प्रभु श्री राम ने आपके पास भेजा है ब्रह्मदेव जी। प्रभु ने कहा है कि उनकी
आपके पास एक स्वर्ण मुद्रिका है जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजोमय है, जो अत्यंत ही प्रभावशाली भी है और मेरे लिए बहुत ही प्रिय भी है और मूल्यवान भी। वो एक अनुपम मुद्रिका है जो देवी सीता को भी अत्यंत प्रिय है, इसलिए मेरे लिए पूजनीय, इसलिए मैं उसकी पूजा भी करता हूं। हाँ प्रभु, वही मुद्रिका मेरे प्रभु श्री राम ने मंगवाई है। प्रभु, आप मुझे वो मुद्रिका देने की कृपा करें। नहीं हनुमान, जो मुद्रिका प्रसाद स्वरूप स्वयं प्रभु श्री राम ने मुझे दी थी, उसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता। उस मुद्रिका को लौटाना मुझे स्वीकार नहीं। नहीं प्रभु, आप ऐसा मत कहिए, ये तो प्रभु श्री राम का आदेश है, उन्होंने ही वो मुद्रिका मंगवाई है। प्रभु, मैं उसे लिए बिना कैसे जा सकता हूँ? मैं आपसे सविनय अनुरोध करता हूँ कि आप वो मुद्रिका मुझे दे दीजिए। नहीं हनुमान, तुम इसके अतिरिक्त कुछ और ले जाना चाहो तो अवश्य ले जा सकते हो। तुम्हारे कितने भी अनुरोध पर वो मुद्रिका मैं तुम्हें कदापि नहीं दूंगा। अब ब्रह्मदेव ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो यदि हनुमान को प्रभु की मुद्रिका नहीं देंगे तो प्रभु के निर्वाण में तो और भी विलंब होगा। प्रभु, आप मेरे इस अनुरोध को मत ठुकराइए। आपको तो ज्ञात है स्वयं प्रभु श्री राम ने वो मुद्रिका मंगवाई है और प्रभु के द्वारा दिए गए कार्य को उनका ये सेवक अवश्य पूर्ण करता है। हनुमान, तुम भले ही कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, किंतु जो मुद्रिका मेरे लिए पूजनीय है वो मैं तुम्हें कैसे दे सकता? जय श्री राम। प्रभु, आश्चर्य है मुझे, जिनकी कृपा से आपने लोक पितामह के पद पर स्थित रहने का अधिकार प्राप्त किया है, आप उन्हीं के आदेश की ऐसी अवहेलना कर रहे हैं। बन पावक ज्ञान घन जासुर दयागार बसही राम सर चाप धर। जय राम दूत हनुमान, जय बजरंगी हनुमान, जय राम दूत हनुमान, जय बजरंगी हनुमान। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानीनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रियम भक्तम वातम जातम नमामि। जय राम दूत हनुमान, जय बजरंगी हनुमान, जय राम दूत हनुमान, जय बजरंगी हनुमान। हे ब्रह्मदेव, यदि आपने मेरे आग्रह को अस्वीकार कर प्रभु श्री राम की मुद्रिका को मुझे ना देने का विचार बना ही लिया है तो आप शीघ्र ही अपने इस निश्चय के दुष्परिणाम का सामना करेंगे। हे राम भक्त हनुमान, अपना रोष त्याग दीजिए और शांत हो जाइए। मैं प्रभु श्री राम की मुद्रिका आपको देने को प्रस्तुत हूँ। मुझसे भूल हुई, जो प्रभु प्रेम और प्रभु भक्ति के कारण मैंने वो मुद्रिका आपको नहीं दी और प्रभु की आज्ञा की अवमानना की। आप सर्वथा उचित कहते हैं हनुमान, प्रभु की अनुकंपा से ही मुझे ब्रह्मदेव की उपाधि प्राप्त हुई। मेरे द्वारा उनके आदेश का उल्लंघन अनुचित है। वास्तविकता में मेरे हृदय में उस दिव्य मुद्रिका के लिए उतनी ही भक्ति, उतना ही अनुराग है
जितना श्री राम के लिए है। उसी भक्ति और अनुराग के कारण तेरे मन में फटका उत्पन्न हुआ और मैंने तुम्हारा आग्रह अस्वीकार किया। हनुमान, आशा है तुम समझ रहे होंगे कि मैं जो कर रहा था उसके पीछे मेरा भक्तिभाव ही था। इसका मतलब ब्रह्मदेव हनुमान को समझाने के लिए ये सब कर रहे थे। इस सृष्टि का कोई भी क्रियाकलाप अकारण नहीं होता, किंतु देखना यह है कि इससे ब्रह्मदेव के उद्देश्य की पूर्ति होती है अथवा नहीं। जय श्री राम। हाँ प्रभु, मैं समझ रहा हूं। प्रभु भक्ति ऐसी ही है, उनके प्रेम में तो कोई भी बहने को विवश हो जाता है, किंतु जब आप उस दिव्य राम मुद्रिका को मुझे देने के लिए प्रस्तुत हैं, तो आप शीघ्र बताइए कि वो कहां स्थित है। अभी आपको हनुमान को समझाने के लिए थोड़ी सी ऊर्जा और थोड़ा समय दोनों ही लगाने होंगे। प्रभु, अब आप विलंब मत कीजिए, आप शीघ्र बताइए वो मुद्रिका कहां है। हनुमान, वो मुद्रिका तो ब्रह्मलोक के दिव्य सरोवर में है। तुम स्वयं जाकर उसे वहां से ले लो। हाँ प्रभु, यही उचित होगा। आज्ञा दीजिए प्रभु। बड़े अचंभे की बात है, यहां तो अनगिनत दिव्य मुद्रिकाएं हैं। इनमें से प्रभु की मुद्रिका का पता कैसे लगाऊं? जाकर ब्रह्मदेव जी से ही पूछता हूं कि इनमें से प्रभु की मुद्रिका कौन सी है। प्रभु, सरोवर के भीतर तो सहस्त्रों मुद्रिकाएं हैं, इनमें प्रभु श्री राम की मुद्रिका कौन सी है? उसे तो तुम्हें स्वयं ही ढूंढना होगा हनुमान। अब तो ये तुम्हारा कर्तव्य है। इन मुद्रिकाओं में से कौन सी मुद्रिका मेरे प्रभु की है, ब्रह्मदेव जी ये मुझे क्यों नहीं बता रहे? यद्यपि इन्होंने स्वयं प्रभु की मुद्रिका मुझे लौटाने की बात स्वीकार की है, फिर ऐसा क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमें मुद्रिका देना ही नहीं चाहते हो? जो भी हो, मैं तो यहाँ से मुद्रिका लेकर ही जाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए। मुद्रिकाओं के इस भंडार की तो कोई सीमा ही नहीं है। इनमें प्रभु श्री राम की मुद्रिका ढूंढने में तो मुझे अनेकों युग बीत जाएंगे, कहीं ये मेरी कोई परीक्षा तो नहीं? जो भी हो, जो मुद्रिका प्रभु ने मंगवाई है मेरे लिए, उसे ढूंढना अनिवार्य है। यहां तो सभी मुद्रिकाएं एक ही समान हैं, सभी में माता और प्रभु उपस्थित हैं। अब मुझे कैसे ज्ञात हो कि इन सब मुद्रिकाओं में वो विशेष मुद्रिका कौन सी है जो मेरे प्रभु को चाहिए?
मैं ऐसा क्यों ना करूं, इन सभी मुद्रिकाओं को अपने साथ ले चलूं प्रभु के पास। वो अवश्य इन करोड़ों मुद्रिकाओं में से अपनी मुद्रिका ढूंढ लेंगे। ब्रह्मदेव जी, क्या मैं आपका कमंडल अपने साथ ले जा सकता हूँ? कमंडल? क्यों? प्रभु, आपके कमंडल में तो ये समस्त ब्रह्मांड समा सकता है। इसलिए मुझे विश्वास है कि इस सरोवर की सभी मुद्रिकाएं भी अवश्य उसमें आ जाएंगी, क्योंकि इस सरोवर में स्थित सभी मुद्रिकाओं के इस अथाह भंडार में प्रभु श्री राम की उस विशेष मुद्रिका को ढूंढ निकालना मेरे लिए असंभव है। इसलिए इन सभी मुद्रिकाओं को आपके कमंडल में डालकर मैं प्रभु श्री राम के पास ले जाऊंगा, जिससे कि वो स्वयं अपनी मुद्रिका को चुन लेंगे। तुम्हारे विश्व रूप से साक्षात्कार होने पर अब मैं तुम्हारे अनुरोध को कैसे अस्वीकार कर सकता हूँ हनुमान? प्रभु, आपको अनेकों धन्यवाद। मुझे विश्वास है अब मैं अपना कार्य अवश्य सिद्ध कर लूंगा। को दिया आदेश के पीछे मात्र आपकी एक इच्छा है या अन्य कोई बड़ा कारण? लक्ष्मण, हनुमान यहां आते ही होंगे, उनके आने पर तुम स्वयं समझ जाओगे। प्रणाम प्रभु। हनुमान जी, आपको तो भैया ने मुद्रिका लाने के लिए भेजा था, परंतु ये कमंडल क्यों उठा लाए? भरत भैया, ये ब्रह्मदेव जी का कमंडल है जो मैं अद्भुत और भव्य ब्रह्मलोक से लेकर आ रहा हूं। वहां के सरोवर में तो अनगिनत मुद्रिका समाहित थी, तो मैं फिर सभी ले आया। मैं तो ठहरा अबोध वानर, तो प्रभु भला मैं कैसे पहचान पाता कि प्रभु की विशेष मुद्रिका कौन सी है? लीजिए प्रभु, अब आप स्वयं पहचान लीजिए कि वो कौन सी मुद्रिका है जो आपने माता सीता के लिए भेजी थी। हनुमान जी, आप जो भी करते हैं वो कार्य विशाल ही होता है। संजीवनी बूटी लेने गए तो संपूर्ण पर्वत ही उठा लाए, और आज एक मुद्रिका लेने गए तो मुद्रिकाओं का पर्वत ही उठा लाए। लक्ष्मण भैया, मैं क्या करता? एक साथ इतनी समान मुद्रिकाओं को देखकर मैं तो भ्रमित हो गया, इसीलिए तो मैं फिर सभी उठा लाया। अब तो प्रभु ही बताएंगे कि इन मुद्रिकाओं में उनकी कौन सी मुद्रिका है। हनुमान, ये सभी मुद्रिकाएं मेरी ही हैं। प्रभु, मैं समझा नहीं, तो क्या आपने अनगिनत मुद्राएं ब्रह्मदेव जी को प्रसाद स्वरूप दी थीं? हाँ हनुमान, किंतु एक साथ नहीं, प्रत्येक कल्प के प्रत्येक सतयुग में जब जब मैं राम रूप धर कर आया हूं, तब तब मैंने ये मुद्रिका ब्रह्मदेव को दी है। ये सभी मुद्रिकाएं वही हैं हनुमान,
जो अनेक कल्पों और युगों से ब्रह्मदेव के पास एकत्रित हो रही हैं। हाँ हनुमान, ये सभी मुद्रिकाएं प्रभु श्री राम की ही हैं। प्रत्येक कल्प के प्रत्येक सतयुग में प्रभु श्री राम और देवी सीता मनुष्य रूप में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। समय का चक्र इसी प्रकार गतिमान रहता है। पुत्र, ये ऐसा ही होता रहा है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। कहो हनुमान, क्या अब भी तुम यही कहोगे कि मुझे जल समाधि नहीं लेनी चाहिए, जबकि इस युग में समय पूर्ण हो चुका है मेरा। अब तो आगामी कल्प में मेरा पुनः आगमन होगा। मैं समझ गया प्रभु, मुझे ज्ञात हो गया है कि अन्य कल्प में पुनः आने के लिए आपका जाना भी आवश्यक है। तो फिर प्रभु, मैं क्यों नहीं जा सकता आपके साथ? क्या प्रत्येक कल्प में मैं आपके सेवा में नहीं रह सकता प्रभु? अवश्य रहते हो हनुमान, प्रत्येक कल्प के प्रत्येक सतयुग में तुम मेरे ही साथ रहते हो, किंतु इस बार अभी पृथ्वी पर तुम्हारा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। स्मरण करो हनुमान, तुमने सीता को भी वचन दिया था कि तुम लवकुश की देखभाल का दायित्व निभाओगे। मेरे पुत्र, लवकुश का सदा ध्यान रखोगे, उनका मार्गदर्शन करोगे पुत्र। और तुमने ही तो कहा था हनुमान, सीता के बाद अब मैं भी उन्हें अकेला छोड़कर क्यों जा रहा हूं? आपका भी कोई दायित्व है लवकुश के प्रति। अल्प आयु में ही उनसे माँ का साथ छूट गया, अब तो वो पिता की छत्र छाया से भी वंचित हो जाएंगे। मैं उन्हें तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ हनुमान। किंतु ये तो तुम्हारे उस दायित्व का मात्र छोटा सा भाग है, क्योंकि हमारा कर्तव्य तुम्हारे और मेरे स्वार्थ से कहीं ऊंचा है, परिवार से भी बढ़कर है। हमारा कर्तव्य तो समस्त संसार के प्रति है हनुमान। मेरे आदर्शों के साथ राम नाम की महिमा को भी स्थापित रखना है तुमने। भक्त बनकर तुमने मेरी बहुत सेवा की है हनुमान, अब जगत की सेवा के लिए भक्त से भगवान बनना है तुम्हें। धर्म की रक्षा और जगत के कल्याण के लिए तुम्हें संसार में सदा स्थापित रहना है हनुमान। इसलिए मैं तुम्हें चिरंजीवी होने का वरदान देता हूं। परंतु प्रभु, आप मुझे ऐसा वरदान ना दें जो मुझे आपसे ही विलग कर दे। प्रभु, मुझे तो बस आपकी सेवा करने की ही इच्छा है। आप मुझ पर इतनी ही कृपा करें कि आप जहां भी रहें, आपके सेवक और भक्त के रूप में मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हो। प्रभु, मेरी भक्ति का अधिकार तो तुमसे कोई नहीं छीन सकता हनुमान, ना मैं ना ये काल। किंतु ये भी नियत है जिसको कदापि परिवर्तित नहीं किया जा सकता हनुमान। इस कल्प के अंत में तुम्हें ही ब्रह्मदेव का पद ग्रहण करना है।
प्रभु, मैं सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव जी के स्थान पर स्थित होऊंगा? प्रभु, मैं तो मात्र एक वानर हूं। अपनी वानर बुद्धि से मैं ब्रह्मदेव जी के पद का, कर्तव्य का निर्वाह कैसे करूंगा प्रभु? जब तुम ब्रह्मलोक गए थे हनुमान, तो वहां तुम्हें कोई विशेष अनुभूति नहीं हुई थी क्या? हाँ प्रभु, वहां जाकर वहां से एक विशेष संबंध और वहां के प्रति आकर्षण का अनुभव तो मुझे प्रभु अवश्य हुआ था। क्योंकि शीघ्र ही ब्रह्मलोक तुम्हारे ही अधीन होने वाला है। प्रभु, आपके सेवक से बढ़कर मेरे लिए तो कोई और उपाधि है ही नहीं प्रभु, और मैं भला ब्रह्मदेव जी का स्थान कैसे ले सकता हूँ जब ब्रह्मदेव जी स्वयं यहाँ उपस्थित हैं? हनुमान, इस कल्प के साथ मेरा भी कर्तव्य पूर्ण होगा और उसके बाद ब्रह्मदेव के पद का उत्तरदायित्व तुम्हारा ही होगा। तुम ही भावी ब्रह्मदेव हो हनुमान। अपनी भक्ति और प्रभु के प्रेम के कारण अपने कर्तव्य पथ से मत भटको हनुमान, जैसे मैं भटक गया जब तुमने मुझसे प्रभु मुद्रिका मांगी। यदि उस समय मैं तुम्हें वो मुद्रिका देने से मना कर परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना कर रहा था, तो अब तुम भी अपने ब्रह्मदेव पद पर स्थापित होने की संभावनाओं को नकार कर वही कर रहे हो हनुमान। इसलिए पुनः कहता हूं हनुमान, अपने प्रभु प्रेम को अपने कर्तव्य पथ की बाधा मत बनने दो हनुमान। अपने इस भक्ति और अपने इस प्रभु प्रेम की भावना को अपने कर्तव्य और विधि विधान के मार्ग में मत आने देना। इसी में तुम्हारे प्रभु की और तुम्हारी मर्यादा निहित है हनुमान। और ये भी ध्यान में रखो हनुमान कि ब्रह्मदेव की उपाधि पाना ये तो एक श्रेष्ठ और उत्तम दायित्व है। सृष्टिकर्ता होने का दायित्व तुम्हें किसी की कृपा से नहीं बल्कि तुम्हारे अपने तप से, अपने कर्मों से प्राप्त होने वाला है। इसलिए अपने इस कर्तव्य को स्वीकार करो। अपने अस्तित्व के वास्तविक कारण को समझो हनुमान। अपने अंतर की गहराई में जाकर इस सत्य को स्वीकार करो रुद्राक्ष कि तुम ही भावी ब्रह्मदेव हो। अपने अंतर की गहराई में जाकर इस सत्य को स्वीकार करो रुद्राक्ष कि तुम ही भावी ब्रह्मदेव हो। कल्प समाप्त पे हो कपिराई, ब्रह्मदेव बोले रघुराई। देवता यक्ष मुनि गंधर्वा तरस किए वानर मुखी ब्रह्मा। पृथ्वी पर अपने जीवन को स्थिर रखकर भावी ब्रह्मदेव के दायित्व को स्वीकार करो, यही पूर्व निर्धारित है और यही मेरा आदेश है। जो आज्ञा प्रभु। मुझे मेरे कर्तव्य का स्मरण कराने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद प्रभु। ये मेरे अस्तित्व का अंतिम कारण हो सकता है प्रभु, किंतु आपकी भक्ति तो
मेरे जन्म का प्रमुख उद्देश्य था और सदा रहेगा। किंतु अब आपकी ही कृपा से मैं भविष्य में ब्रह्मदेव का स्थान ग्रहण करना स्वीकार कर मैं आपके निर्वाण में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करूंगा। तुम्हारा कल्याण हो हनुमान। मुझे अनुमति दीजिए भैया, मैं आप सभी भ्राताओं का कृतज्ञ हूँ। भ्राता रूप में आप सभी का साथ पाकर मैंने एक अद्भुत जीवन व्यतीत किया है। भैया, आपका भ्राता कहलाना हमारे लिए गौरव की बात है। हम धन्य हैं, हमारा जीवन धन्य है कि हमें आप जैसा भ्राता मिला। हाँ भैया, आप जैसे अग्रजों का सानिध्य पाकर मैं अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली मानता हूँ। आप तो संपूर्ण जगत के लिए उदाहरण के समान हैं। अवश्य ही ये मेरे पिछले जन्मों के सत्कर्मों का ही फल है भैया कि मुझे आप तीनों का भ्राता होने का सुख प्राप्त हो सका। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, क्या कहूं मैं। जब भी तुम तीनों को देखता हूं तो मुझे अपने बचपन के दिन स्मरण हो आते हैं। जब हम नन्हे बालक थे तब से अब तक मेरा साथ देने के लिए मनुष्य रूप में मुझे इतने सुख देने के लिए तुम जैसे तीन विलक्षण भ्राताओं का बड़ा भाई कहलाने का सौभाग्य देने के लिए मैं तुम तीनों का कृतज्ञ हूं। प्रभु श्री राम ने मनुष्य रूप में अवतार लिया है तो उसके बंधनों से इतनी सरलता से मुक्त होना उनके लिए भी कहां संभव है। हाँ देवेश्वरी, मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन है मोह, और प्रभु श्री राम को तो एक ही मोह है। लक्ष्मण के बिना तो मैं भी जीवित नहीं रह पाता, इसलिए संसार से प्रयाण करने का निर्णय लिया मैंने। किंतु अब समझ में आया कि मैं तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकता हनुमान, फिर तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊं। ये क्या कह रहे हैं श्री राम, कहीं मोह माया में फंसकर कोई भूल ना कर बैठे। अगर ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। ये है रामायण
रामचंद्र गुण धाम की सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।